ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय मजदूर संघ हमीरपुर ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को 16 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है, जिसमें मजदूर संघ द्वारा आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी व मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करना, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमा करना, महंगाई पर रोक लगाना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमित नीति बनाना आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ हमीरपुर ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को 16 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है, जिसमें मजदूर संघ द्वारा आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी व मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करना, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करना, महंगाई पर रोक लगाना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमित नीति बनाना आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में रैली निकाली गई, वो जोरदार नारेबाजी की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ के सदस्य ने बताया कि आज पूरे देश में भारतीय मजदूर संघों द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को 16 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें मजदूरों से संबंधित 16 प्रकार की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि इस मांग पत्र में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी व मिड डे मील कार्यकर्ताओं, ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना, महंगाई पर रोक लगाना, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमित नीति बनाना, आयकर की गणना हेतु कर योग्य राशि 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करना आदि विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लिया पिछली बैठक में कि 3 जनवरी को राष्ट्र स्तर पर हर जगह पर, हर जिला मुख्यालय पर जो है एक ज्ञापन जो है वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। पेंशन के बारे में है, मिड डे मील वर्कर्स हैं उनके लिए है, ट्रेन टीचर्स, नर्सरी टीचर्स हैं उनके लिए है, फिर इसके साथ ही पुरानी पेंशन जो है वो भी बहाल होनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि जब तक ये वर्कर्स जो हैं नियमित नहीं होते हैं, तब तक जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। इन्हें जो है डिप्राइव नहीं करना चाहिए। ये लोग जो है फील्ड में जाकर के इतना काम करते हैं, हमारे चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स में बच्चों की नॉरिशमेंट हो, वो सारा काम ये करने हैं, तो इनके जो है उसी दर से जो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करते हुए इनको जो है इनके वेतन